आप इस सप्ताह को संबोधित करें। दोस्तों के लिए पेंशन की बात कांग्रेस से शुरू करने की बात। वैसे तो चुनाव की शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करती है। मुझे जान है कि कभी वो कहा करते थे हम मंदिर जाते थे तो चर्चा होती थी कि मंदिर क्यों जाते हैं। अब मंदिरों की महत्ता उनके समय जनता नहीं मरती है, गड्ढे में गिर के मर रहे हैं। अब आप थोड़ा पद कीजिए, आपके जीवन में इतने गड्ढे कोई पूरा नहीं होगा। मैं आग्रह करूंगा कि एक बार एक गौरव पद पर हम भी हो के आइए। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष करेंगे। कांग्रेस ने नहीं कहा इस बात को, कांग्रेस ने तो इतना कहा है कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात करेंगे और स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की, दोनों काम पहले से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तरह 194 पर नहीं लड़ रही, और 200 सीटों पर हम सब मिलकर के विचार कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि जीएसटी कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर लाने के लिए कांग्रेस ने जो जिक्र किया है, और ब्राह्मण समाज ने उन्हें कानूनी नोटिस देने की जो है वो चेतावनी भी दी है। आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या कहना है आपको? देखिए, संपूर्ण हम सब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और सारे देवी देवता हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं। हनुमान जी महाराज को प्रेरणा देते हैं, हम पूरी तरह से नतमस्तक होकर के आगे बढ़ते हैं। आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में बोला, अभी कुछ देर पहले आप ही की पार्टी में जो पहले विधायक रहे थे घनश्याम तिवाड़ी, उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी करा है, उसके बारे में दो शब्द बता दीजिए। बीजेपी आप सुमित्रा जी की, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, सुमित्रा जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, सलावत खान है जो कि आपके मुस्लिम चेहरा भी माने जाते हैं, कई पदों पर है और कोर्ट के अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ये नाराजगी को किस दृष्टि से देखा जाता है बीजेपी में, आप इस दृष्टि से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और विचार वाली पार्टी, ये दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी भी है, करोड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो भी पार्टी से छोड़ करके गया है उसके अस्तित्व आज समाप्त हो चुका है। कार्यकर्ता विचार के लिए काम ने जो घोषणा पत्र भी जारी किया है तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो सरकार है वो पत्रकार सुरक्षा कानून ला रही है और हमारी सरकार आ रही है, हम बीजेपी की तरह काला कानून नहीं लाते पत्रकारों के विरुद्ध। आज ये देश इस बात का गवाह है कि आपातकाल में पत्रकारों की आवाज को बंद करने का काम किया और दुनिया की आजादी के बाद का सबसे बड़ा काला कानून को लेकर के आया तो कांग्रेस लेके आई, और आप सब अखबारों के उदाहरण इस बात के, जिस दिन अखबार छपे थे वो केवल एक ब्लैक पेपर छाप करके लोगों ने समाप्त किया था, इस तरह विरोध भी किया था, बड़ी संख्या में पत्रकारों को जेल में डाला। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के घोषणा पत्र में जहाँ अपने 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का मेडिकल उसको बढ़ाने की बात की है, निःशुल्क उपचार की बात की है, आज कांग्रेस इस बारे में स्पष्ट रूप से कोई चीज लेकर नहीं आई। ये सबके प्राथमिकता का विषय है, इसलिए जो काले कानून की बात करती है खुद तो अपने गृहमान में जाकर देखें, इस देश के संपूर्ण आजादी के बाद के इतिहास में सबसे ज्यादा हमला अगर पत्रकारिता के ऊपर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। ये पूरी तरह से बिना तैयारी के तैयार किया हुआ, जिसको ना तो जमीनी हकीकत की जानकारी है, ना राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उसकी जानकारी है, सड़कों को ग्रामीणों को सब गांव को सड़क से जोड़ने की बात आज याद आते हैं, अटल जी अपने बीच में नहीं है, ग्रामीण सड़क ग्रामीण योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को से जोड़ने का काम किया, राजस्थान में गौरव पथ के माध्यम से एक ऐतिहासिक काम हुआ है, प्रत्येक पंचायत में 1 किलोमीटर तक की सड़क और बीसीसी रोड नाली सबको देने का शायद देश में कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा, ये राजस्थान जिसने गौरव पथ के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में देने की बात की है। आज कांग्रेस कह रही है आजादी के 55 साल तक आपने शासन किया और शासन करने के बाद आज आपको याद आ रहा है कि बिजली के उत्पादन की जरूरत है, गांवों को सड़कों से जोड़ने की जरूरत है, महिलाओं की शिक्षा की बात आप करते हो, टॉयलेट जो बना दिए हर स्कूल में टॉयलेट बन चुके हैं, अभियान चला करके राजस्थान सरकार ने काम किया है, अब आप कह रहे हो बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाने की बात कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर ये पूरा का पूरा घोषणा पत्र
केवल औपचारिकता है, बिना तैयारी के है, बिना सूचनाओं के आवाज के साथ है। मुझे इतना ही कहना था आपका फिर क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता, जीएसटी कंपनी के क्षेत्राधिकार में आता है। तो क्या जो आप लोगों के घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय में एक बिंदु था मीना और मीना का, वो क्या राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है? और अगर राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है तो अभी तक क्या व्यवस्था चल रही थी जब आप लोगों ने कहा कि मीना और मीना सभी को आरक्षण एसटी में मिल रहा है, कोई भेद नहीं है? राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे यहाँ भाषा की कई बार भिन्नता होती है, इसके कारण से मीना और मीना ये विषय चलता है। इसलिए हमने कोर्ट में भी एफिडेविट इस बात का किया कि केवल इसके आधार पर भेद नहीं हो, मीना और मीना ना हो ना, इसके अंतर के जो किसी भी नाम लिखा जाता है उनको दोनों को ही एसटी का लाभ मिलना चाहिए और वो लाभ दिया भी जाता है। जब लाभ दिया जा रहा है तो फिर उसको घोषणा पत्र में शामिल करने की जरूरत क्या थी? हमने कहा केंद्र सरकार को भी लिखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी इस बात पर लिखेंगे कि वहां से भी अगर संशोधन हो जाए तो और कोई किसी तरह की भ्रांति है उसको। चतुर्वेदी जी, प्रदेश में चुनावी दौरे लगातार चल रहे हैं, आप तमाम जो बड़े नाम है इनको आपने स्टार प्रचारक बनाया है, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी थी, लेकिन जो उनके स्टार प्रचारक है वो केवल जयपुर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रचार में नहीं जाते हैं। इसलिए एक बात को आप जानते हैं कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं जिसके फेस पर रहे हो, केवल एक नेता है जो घूमते हैं और हम भी प्रसन्न होते हैं जगन आदि को घूमे नहीं हमें नाम मिले। शर्तों के ऊपर ऋण देने की बात करेंगे, आज मुद्रा योजना के माध्यम से इस लाभ को पूरी तरह मिटा रहे और जो आंकड़ा आता है राजस्थान में लगभग 44 लाख लोग इस विषय इसको लेकर के मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण ले चुके और अपने छोटे छोटे काम मिलकर कर चुके। स्टार्टअप योजना को केंद्र सरकार ने उसको भी बढ़ाने की बात की है, एक अपने इसके माध्यम से अलग देश के जो युवा हैं, प्रदेश के युवा हैं, वो अपनी प्रतिभा को निकाल करके लाएं और स्टार्टअप में उस चीज को ला करके उसके लिए अलग से फाइनेंशियल बेनिफिट की बात केंद्र और राज्य सरकार पहले से ही कर रही है। एक तरह से कांग्रेस ने फिर इसके माध्यम से लोगों को कहीं बुलावे में रखने का प्रयास उन्होंने किया था। मुझे आश्चर्य होता है कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहती है कि जीएसटी में लाभ दिलाने की बात करती है कृषि यंत्रों को और दूसरे ही अपने घोषणा पत्र के पेज नंबर 20 के ऊपर कहते आती है कि ये जीएसटी की काउंसिल में हम लेकर के जाएंगे। आज जीएसटी के विषय को लेकर के सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर काउंसिल बनी हुई है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीएसटी काउंसिल में केवल सदस्य के नाते कोई राज्य सरकार जा सकती है और अपनी बात को रख सकती है और अंतिम रूप से वो जीएसटी काउंसिल जो निर्णय करती है वो निर्णय मान्य होता है। इस विषय को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री कृषि उपकरणों को जीएसटी से मुक्त किया जाए पहले एक पत्र लिख चुकी है, अब उसका एक दौरान की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक उन्होंने ऊर्जा को के ऊपर आत्मनिर्भर और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जो पहली बात तो ये सौर ऊर्जा का हम सौभाग्यशाली है कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा या सूरज की ऊर्जा हमें लाभ मिल सके इसको हम ले सकते हैं और इसकी महत्ता को समझते हुए राजस्थान की सरकार ने सोलर पॉलिसी डिक्लेयर की है। राजस्थान पहला स्टेट है और उस सोलर पॉलिसी के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कैसी बढ़ी है लगातार। हम इन 5 सालों में कांग्रेस का कार्यक्रम देखा है, शहरों में बिजली नहीं आती थी, गाँव में बिजली नहीं आती थी, आज उस बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव किया, उसकी चोरी को कम करने का काम किया और वो भी तब जब कांग्रेस अपने शासन के समय में एक समझौता करके आई थी कि प्रतिवर्ष बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे। हमने बिना बढ़ोतरी किए ये सारे काम करने का काम राजस्थान की सरकार कर चुकी है, मेरा है और वो भी उसमें से भी कुछ कमीशन बीच में काट लिया जाता है। आज हमने भामाशाह से जो लिंक करके बैंक अकाउंट से जोड़ा और पूरी पेंशन को हम खातों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो पेंशन 51 लाख से बढ़कर के आज 61 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। इसलिए किसानों के पेंशन के बारे में कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं रखा किस तरह करेंगे। आपने किसानों के ऋण की बात की सर, अशोक किसानों के ऋण का एक विषय, आपने किसानों के ऋण का आपने अपने शासन में एक बार भी नहीं किया। राजस्थान में 3 उदाहरण आते हैं केवल, एक भैरव सिंह जी के समय 10,000 रुपये तक का ऋण माफ करने की बात हुई, लगान माफ करने की, फिर 10,000 का ऋण माफ करने की और अभी 50,000 का ऋण माफ करना और साथ में ऋण लोन देना, ये राजस्थान सरकार ने। और दूसरी किसानों की बिजली को भी
हमने माफ करने का छठे एक्सटेंड तक माफ करने का भी इसी राजस्थान की सरकार ने घोषणा की, कभी कांग्रेस ने नहीं। सर कांग्रेस का ये आरोप है कि इसी सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद करवाया और कॉलेज बंद करने का काम इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार ने किया, शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगा। आप इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में एक भी स्कूल को बंद नहीं किया गया, केवल स्कूलों का हमने कहीं एमलगेशन किया, विलीनीकरण किया है। एक विद्यालय में 5 विद्यार्थी और एक विद्यालय में 70 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी वाले में 50 अध्यापक हैं, 50 वाले में 2 अध्यापक हैं। इसको एग्रीगेट करते हुए हमने कहा कि जो हम आज एक्सटेंड तक चलते हो वो सब स्कूल मिलकर के वहाँ प्रॉपर एजुकेशन दे पाए, इसको सुनिश्चित करने का काम इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में शिक्षकों के सारे पद भरे हुए हैं। जो हम जब शासन में आए थे जगह जगह धरने प्रदर्शन आंदोलन होते थे, स्कूलों में टीचर नहीं है, आज वो आंदोलन समाप्त हुए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, सब जगह इंटरनेट पहुंचा है, कंप्यूटर की लाइब्रेरी पहुंची है, इस सबको 5 साल में, और इसी का परिणाम है कि पिछले 2 सालों में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बढ़िया होने लगा है। मतलब कि मेरा बूथ मेरा गौरव, वो मेरा बूथ मेरा झूठ बनते रह गया। हमने चाय पे चर्चा शुरू की, उन्होंने चाय पे चर्चा शुरू की। राजस्थान में टिकट का वितरण लंबे समय तक कांग्रेस का रुका रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सूची आ जाए तो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बाद कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की आज उसकी घोषणा की गई, उसको जनता के सामने रखा गया। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं अखबारों में पढ़े करते थे आप लोगों के माध्यम से, उन्होंने कहा कि हमने 2 लाख लोगों से संपर्क किया, उसके संकलन के आधार पर हम ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो जन भावनाओं के अनुरूप होगा और आम जन के भावनाओं के आधार पर आने वाले राजस्थान की तस्वीर उसमें होगी। मुझे देखकर के लगता है इसको वो पूरी तरह से इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से, पहली बात तो लगता है कि ऐसा लगता है कि एजेंसी को दे दिया था, उस एजेंसी ने उसको आउटसोर्स किया, उसने बना करके जो दस्तावेज कांग्रेस को दिया उन्होंने उस पर जारी किया। एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से आम जन को कई भुलावे में रखने की कोशिश की। ये देश जानता है कभी गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव लड़ा गया, कभी देश बचाओ के नाम पर चुनाव लड़ा गया, और उसकी परिणति किस प्रकार की हुई इस देश को अच्छी तरह पता था। ये मात्र औपचारिकता है, क्योंकि आज के समय में एक घोषणा पत्र निकालना औपचारिकता रह गया, इस औपचारिकता पूरी करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस घोषणा पत्र में ना तो कांग्रेस की इच्छा शक्ति रहती है, ना जनता की भावना इसमें कहीं ध्यान में आती है, और स्पष्ट रूप से देख रहा है कि प्रदेश की जानकारी नहीं पड़ी। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने राइट टू हेल्थ की बात घोषणा पत्र में की है। राजस्थान की सरकार पहले स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर चुकी, ये तो कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन हम बेनिफिट दे चुके हैं, ये अधिकार की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हम लाभान्वित कर चुके हैं, करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला, उसका आज फोर्टिस अस्पताल में, ESCC में, संतोष कुमार में, बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के कोई इलाज कर सकता है, 3 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, इसको सुनिश्चित राजस्थान की सरकार कर चुकी है। फ्री बालिका शिक्षा की बात उसमें की गई है। अपन सब जानते हैं कि राजस्थान में भैरव सिंह जी के समय और उसके बाद में वसुंधरा जी ने आने के बाद, और मूल रूप से कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉलेज एजुकेशन तक सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों में ये बालिका शिक्षा मुफ्त है, इसको पहले से ही लगातार लाभ भी लोगों को मिल रहा है और अब घोषणा हो रही है फ्री बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि शायद प्रदेश की क्या क्या चीज चल रही है उसकी जानकारी भी इनको के माध्यम से ली। युवाओं के लिए रोजगार की बात, और रोजगार के लिए भी स्पष्ट रूप से मैंने कहा 30,000 रोजगार प्रति वर्ष देने की बात हमने की है स्पष्ट रूप से, इसमें कोई भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया कि रोजगार किस प्रकार से उपलब्ध कराए। आश्चर्य होता है, आज मैं पढ़ रहा था सचिन पायलट जी का उत्तर, उन्होंने हमसे पूछा था कि ये सरकार के जो रिटायर होने वाले कर्मचारी उनको आप नौकरी देने की बात कर रहे हो, आप कौन से जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, आपका 2008 से 2013 का कालखंड था, उस 8 से 13 के कालखंड में आपने जो रिटायर हो रहे थे लोग उनकी नौकरियों को भी रोक के रखा, समाप्त करने का काम किया। अभी उदाहरण है कि 26,000 नौकरियां जब कोर्ट से निकल गई तो आपने चुनाव आयोग में शिकायत करके
उन युवाओं को जिनको रोजगार 1 महीने पहले मिल जाता उस रोजगार को रोकने का काम आपने किया है। फिर कहा कि हम स्वरोजगार पैदा करने वाले लोगों को